हेलो एवरीवन, आई एम ईशा ठाकुर और आज मैं आपके लिए फिर से अपना एक बहुत अच्छा सा रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ जो है कैरीमिनाटी के ऊपर। तो आप सब लोग कैरीमिनाटी के वीडियोस तो बहुत ही देखते और पसंद करते हैं और कैरीमिनाटी की वीडियो में कुछ डिफरेंट वो हमेशा वो भी करते हैं, कुछ अलग सा ही रहता है। तो आज हम उनकी एक वीडियो पर जो अभी एकदम नई आई है, ये रिएक्शन वीडियो शायद ही आपको अभी किसी रिएक्शन चैनल पे मिले, इसलिए जल्दी से मेरा ये चैनल खोलिए, वीडियो देखिए। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। मतलब मैं कितनी बार कहूँ इस चीज़ को, अगर आप लोग वाकई में मेरी वीडियो पसंद करते हो, मैं देखती हूँ वीडियो में वॉच टाइम और व्यूज़ बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइबर अभी उतने ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो मुझे भी अच्छा लगेगा और साथ साथ में मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो बात करते हैं आज के हमारी ये वीडियो के बारे में कि वीडियो आखिर है क्या। तो वीडियो का नाम है द सुपरस्टिशन विल मेक यू रिच। देखते हैं भाई इन्होंने क्या किया इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? क्या तुम इस दिवाली करोड़पति बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो तुम पर पैसों की बारिश हो जाए? क्या तुम चाहते हो ऋतिक और कंगना का झगड़ा खत्म हो जाए? अगर इन तीनों सवालों का जवाब तुमने हाँ दिया है तो शर्म नहीं आ रही या बिल्कुल भी? मेहनत करके कोई राजी नहीं है इस देश में। खैर, आज मैं अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर बैठा था और ट्रेंडिंग नंबर वन पे मैंने क्या देखा, 17 अक्टूबर धनतेरस के दिन घर में छिपकली देती है ये चमत्कारी संकेत, तो समझ लेना हो जाओगे माला माल। आओ देखे हम में से कितने लोग माला माल निकले। यदि धनतेरस वाले दिन छिपकली क्या छिपकली छिपकली कौन सा जीव है यार? छिपकली अली रे अली छिपकली। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में धनतेरस के दिन छिपकली आती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। अच्छा, नहीं ये कहा जाता है क्या होता है? कहीं सुना है तूने? किसी पंचायत में बैठा था तू? नहीं, एक बार तो अगर पब्लिक शौचालय पे भी लिखा होता ना मैं तब भी मान लेता, लेकिन ये कहा जाता है? ये भोसड़ी का कह कौन रहा है? ऐसे तो मैं भी कुछ भी कह दूं। कहा जाता है अपनी नाभि में कंचे की गोली दबाने से लड़कियां तुम्हारी तरफ भगी चली आती है। छिपकली का घर में घुस के सिर्फ एक ही काम होता है, बच्चे पैदा करना, और उन बच्चों का काम होता है और बच्चे पैदा करना। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं धनतेरस पर छिपकली का कौन सा व्यवहार किस तरह का संकेत देता है। मतलब ये चाहता है मैं अपने घर पे छिपकली ढूंढूं और उसका व्यवहार नोटिस करूं? नहीं, और कोई काम थोड़ी ना मेरे पे। साला कैसी अजीब हरकतें करवा रहा है यार, भोले की कौन सी गोली खा के बैठा इस दिवाली। पहला, छिपकली का जमीन पर चलना। यदि धनतेरस के दिन छिपकली आपके घर की जमीन पर चलती है तो घर में धन आने के नए रास्ते खुल जाते हैं। इसे कहते हैं साफ साफ चूतिया। oh, छिपकली धरती पे नहीं चलेगी तो क्या बहनचोद हवा में उड़ेगी? साले पागल है, ऐसे तो लोग छिपकलियां बेचना शुरू कर देंगे। सुतली बम के साथ छिपकलियां ही बिक रही है बहनचोद। क्या हो क्या गया इस दुनिया को? छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है, ऐसे में आपको स्नान कर माता लक्ष्मी से क्षमा मांगनी चाहिए। क्यों, मैं छिपकली पे गिरा हूं या वो मेरे पे गिरी है? कई बार छिपकली अपने मुंह से धीमी धीमी आवाज भी निकालती है। पता है लोग टाइम पास करने के लिए अलग अलग चीजें करते हैं, कोई मूवीज देखता है, कोई गाने सुनता है, कोई रनिंग के लिए निकल पड़ता है, और ये तारे जमीन पर भोसड़ी का छिपकलियों को आवाज निकालते हुए सुनता है। इस व्यक्ति ने बेलापंती की सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसी चीजें देख के इंसानियत पे शक होता है, एक इंसान कितनी बकवासी पहन सकता है यार। और कमेंट्स तो देखो इस वीडियो के। अगर छिपकली वेस्ट की दीवार पर हो तो सर मेरे घर छिपकली दीवार पर चलते हैं। खैर अब चलते हैं दूसरे जानवर की तरफ। यदि बिल्ली दिवाली की रात आकर आपकी छत पर मल त्याग कर दे तो इसे हम ज्योतिष के अनुसार स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति का संकेत मानते हैं। इसने तो बिल्ली की टट्टी तक नहीं छोड़ी। पैसों और बिल्ली की टट्टी का क्या कनेक्शन है? अकेला ऐसा इंसान है जो अपनी छत पे बिल्ली की टट्टी देख के खुश होता है। आखिर ये दिन आ ही गया। कर ले, आराम से कर ले, सफाई की टेंशन मत ले, कर तू कर बस तू कर। वाह,
क्या टट्टी है। ओह माय गॉड। अगर दिवाली की रात छछुंदर आपके घर में आ जाए या आपके घर में छछुंदर की आवाज। बस 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 भोसड़ी के भाई रुक जा, भाई रुक जा, भाई रुक जा। ये अपने घर में टॉम एंड जेरी खेलवा रहा है, कभी चूहा कभी बिल्ली, चूहा बिल्ली के आगे बिल्ली चूहे के पीछे। He is having too much fun। अब चलो यार, जानवरों तक तो ठीक था लेकिन इन्होंने पौधे तक नहीं छोड़े। दिवाली पर बस यहाँ रख देना एक तुलसी का पत्ता। कहाँ रखने का इरादा है तुलसी के पत्ते? Oh my God। ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तुलसी की जड़ को लाने से पहले आपको एक दिन पहले तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। तुलसी की जड़ को निमंत्रण देना है। ये चाहता है मैं तुलसी के पत्ते को निमंत्रण दूँ, वो भी एडवांस में एक दिन पहले, क्योंकि आज तो वो किसी और के घर जा रहा है ना। निमंत्रण कैसे देना है? तुलसी से निवेदन करें कि कल को आपको मेरे घर आना है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ तुलसी के पत्ते और सविता भाभी के बीच में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों को एक ही चीज बोलनी पड़ती है, कल को आपको मेरे घर आना है। यदि किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए आपको आपके घर में यह है, तो आपको तुलसी के 7 पत्ते लेने हैं और 7 काली मिर्च लेनी है। अबे तू टोटके बता रहा है या गुटका बनवा रहा है? फिर कहेगा तंबाकू लाओ और फिर करके एक्सपीरियंस लग रहा है। रख लेंगे भैया जी मुंह। तो कैरीमिनाटी की जितनी वीडियो मुझे अच्छी लगी, जितने वर्ड्स मुझे अच्छे लगे, मैंने अभी उतनी वीडियो पे रिएक्शन दिया है। आगे जो वर्ड्स और जितनी वीडियो का पार्ट मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगा उसको मैंने छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहें तो नीचे जो लिंक डिस्क्रिप्शन होता है उसमें जाके आप कैरीमिनाटी की फुल वीडियो देख सकते हैं और आप देख सकते हैं उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसा करें। और बाकी की बात करते हैं अब कि आखिर इस वीडियो में इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मतलब इन्होंने सुपरस्टिशंस की बात की। जैसा कि मैंने भी जब मैंने ट्रेंडिंग पेज खोले तो एक से एक अनोखे टाइप के टोटके पड़े हुए थे कि नमक का कटोरा भर के छत पे रख दो, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और छिपकली को घर पे आने दो। तो वाकई में ये वीडियो जैसे बनाया है उसने तो मुझे बिल्कुल सही लगा कि ऐसी बकवास की चीज़ें यार आजकल के ज़माने में कौन देखता है। जो देखता है लोग देखते हैं क्योंकि वो वीडियो ट्रेंडिंग पे गई है, इसका मतलब लोग तो देखते हैं, लेकिन लोग इसमें देखते क्या? मुझे यही नहीं समझ में आता यार कि एक भर के कटोरा अगर नमक रखा जाए तो उससे माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे बरस सकती है। मेरे ख्याल से अभी तक जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा शायद वो अब तक करोड़पति बन गए होंगे। एंड अगर वो करोड़पति बन गए तो मुझे मेरी वीडियो देख करके उसमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो करोड़पति बन के उन्हें कैसा लग रहा है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा होगा तो अगर वो बताएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी फिर ये। बाकी मुझे तो बिल्कुल बकवास लगता है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी बिल्कुल बकवास ही लगता है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान कम दिया करिए और इन चीज़ों को ट्रेंडिंग होने से बचाया करिए क्योंकि ये बकवास है और बिल्कुल वाहियात दखियानूसी चीजें हैं और मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती। और बिल्कुल सही मजाक उड़ाया इस पे कैरीमिनाटी ने, मैं उनके एकदम सपोर्ट में हूँ जैसा भी उन्होंने बोला। हालांकि जो वो अपने हर वीडियोस में करते हैं कुछ जो उल्टी सीधी बातें करते हैं उनके सपोर्ट में, तो उनके बारे में मैं कुछ बातें नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये उन लोगों को जिनको पसंद होता है ये उनके लिए अच्छा है और जिन्हें नहीं पसंद होता है तो सबकी अपनी अपनी बात है, सबकी अपनी अपनी लाइक करने की वो है कि लोग किस तरह के वीडियोज़ पसंद करते हैं। हालाँकि उनका जो फर्स्ट वीडियो का पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा फनी था। तो बाकी आगे की वीडियो आप भी देखिएगा उनकी कि उन्होंने कैसा क्या किया है, और वो तो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते, बेटर करते। और जैसा कि मैंने आपसे अभी बोला कि इन सब वाहियात चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए लाइक चीनी का कटोरा, छिपकली आप तो जानते ही, छिपकली आने से क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा गंदगी फैलेगी। और हाँ, अगर कुछ फ़ायदा होता है ना तो सिर्फ एक है कि आपके घर में कीड़े मरेंगे। तो अगर आप चाहते हैं और घरों में कीड़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो छिपकली वाला नुस्खा ज़रूर आजमाइए। और मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है कि जितनी हो सके जितनी से ज़्यादा छिपकली मंगाइए क्योंकि आजकल कीड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो हाँ, हो सकता है इसीलिए ये वीडियो ट्रेंडिंग हो गई हो कि पैसे तो नहीं पर हाँ कीड़ों को मारने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर आ गई। तो अब देखते हैं कि कौन सी मैं नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाली हूँ उसमें मैं कौन सा वीडियो लाऊंगी। अभी मैंने इस बारे में तो कुछ सोचा नहीं है क्योंकि मैं तुरंत सोचती हूँ उस वीडियो के बारे में कि अभी कौन सी वीडियो लाई जाए और आगे मैं कोई ना कोई और फनी वीडियो लेके आऊँगी। और इस चैनल पर लगातार फनी वीडियोज़ आती रहेंगी तो इस चैनल को देखते रहिए।
और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फनी वीडियोस इसमें लगातार मिलती रहें और एक से एक फनी वीडियोस जो आपको कहीं रिएक्शन में जल्दी से नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करूंगी कि वो रिएक्शन वीडियो सबसे पहले मेरे इस चैनल पर आपको मिल सके। तो इसलिए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार और दबा दो वो रेड आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तब तक के लिए अब मैं चलती हूँ, अब मिलूंगी बाद में आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।